एस टू का थर्ड लेसन स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। इससे पहले हम लोगों ने इस लेसन में स्टार्ट किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन यूनिसेल्युलर हम लोगों ने खत्म किया था एंड मल्टीसेल्युलर स्टार्ट किया था। ओके, मल्टीसेल्युलर में हम लोगों ने कहा था खत्म किया था रीजनरेशन का। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर। ओके, अभी रीजनरेशन के बाद और किस में होता है वो हम लोग आगे इसके अंदर देखने वाले। तो होता है बडिंग, किसमें होता है बडिंग। ओके, तो अभी ये जितने भी टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर, तो वहां से आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो क्वेश्चन आपको पूछते हैं। कभी कभी ये पूरा दो मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, मगर मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन पूछते हैं कोरिलेशन। ओके, जैसे कि रीजनरेशन हो रहा है प्लैनेरिया में, रीजनरेशन प्लैनेरिया। ओके, तो बडिंग डैश ऐसा क्वेश्चन आता है कोरिलेशन, तो बडिंग किस में हो रहा है हाइड्रा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वन मार्क्स के। ओके, एंड कभी कभी दो मार्क्स के लिए ऐसा सेपरेटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ओके, बडिंग शॉर्ट नोट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बडिंग किस में होता है हाइड्रा, किस में होता है हाइड्रा। ये हम लोगों ने देखा था, किसमें देखा था यूनिसेल्युलर में भी देखा था, किसमें देखा था यूनिसेल्युलर में भी हम लोगों ने बडिंग देखा था। ओके, यहाँ पे ये मल्टीसेल्युलर हाइड्रा में होता है, किसमें होता है हाइड्रा में। ओके, क्या आता है अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन यानी क्या, सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फेवरेबल कंडीशन सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, यानी किसका हाइड्रा का, एक बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट, एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म। ओके, आउटग्रोथ क्या होता है आता है हाइड्रा के बॉडी के ऊपर, क्या आता है आउटग्रोथ, आउटग्रोथ आता है यानी क्या आता है ऐसा थोड़ा सा बल्ज आता है, क्या आता है बल्ज बॉडी के ऊपर ऐसा थोड़ा बल्ज आता है। ओके, इज फॉर्म बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी वॉल, रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी वॉल, रिपीटेड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड पर, और उस आउटग्रोथ को, एक आउटग्रोथ आता है प्लांट उस उसके मेन पैरेंट के ऊपर जो आउटग्रोथ आता है उसको बोलते हैं बर्ड, इसके लिए इसको बर्डिंग बोला है। ओके, द बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा, वो बर्ड ग्रो होता है और उससे छोटा हाइड्रा बनता है, उसे क्या बनता है छोटा हाइड्रा, मगर वो किससे चिपका हुआ है पैरेंट हाइड्रा से चिपका हुआ है। ओके, टर्मिनल लेयर्स एंड द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा। ओके, जो छोटा हाइड्रा बना है, ओके, उसका पार्ट बॉडी पार्ट किससे अटैच है, आर कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ द पैरेंट हाइड्रा, वो पैरेंट हाइड्रा से ही अटैच है। ओके, यानी वो छोटा हाइड्रा किससे अटैच है पैरेंट हाइड्रा से ही अटैच है। देखो यहाँ पे ये अपना पैरेंट हाइड्रा है, उसके ऊपर देखो एक आउटग्रोथ आया। ओके, उसको बोलते हैं बर्ड, अभी उसका देखो नेसेंट हाइड्रा यानी छोटा हाइड्रा बन गया उसका। ओके, मगर उसका जो बॉडी अटैच है वो किसको अटैच है, किसको अटैच है यहाँ पे बॉडी, वो अटैच है पैरेंट हाइड्रा को। ओके, पैरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन, ये पैरेंट हाइड्रा क्या करता है इस नेसेंट हाइड्रा को यानी छोटे हाइड्रा को क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, एंड बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम द पैरेंट हाइड्रा, ये जो हाइड्रा है वो पैरेंट हाइड्रा से सेपरेट होता है एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंट, स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम्स एबल टू डेयर टू इंडिपेंडेंट लाइफ। ओके, बाद में ये हाइड्रा जो है नेसेंट हाइड्रा, जो छोटा हाइड्रा जो इस पैरेंट हाइड्रा को आया है वो इससे अलग होता है। ओके, और इंडिपेंडेंटली जीने। ओके, तो इस तरह इनके ऊपर ऐसे बर्ड्स आते हैं और वो बर्ड्स बाद में बड़े हो जाते हैं और पैरेंट हाइड्रा से अलग होते हैं और इंडिपेंडेंटली जीने लगते हैं, तो इसको बडिंग बोला जाता है इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर। ओके, अभी नेक्स्ट इसका पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स? ओके, रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट With the help of vegetative parts. कौन-कौन से vegetative parts हैं? यहाँ पे आपको question आता है. Write the names of vegetative parts. Okay? कौन सा? Root, stem, leaf, bud. ये सब plants के vegetative parts हैं. क्या क्या है? Roots, stem, leaf, bud. Normally reproduction किससे होता है? Seed से.
सिर से नया प्लांट आता है, मगर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग नए प्लांट्स उगा सकते हैं। वो किससे उगा सकते हैं? प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीफ से, बर्ड से। ओके, इसके लिए इनको बोला गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इनका रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? ऑल दीज वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द पोटैटो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर। देखो, पोटैटो जो जब हम लोग लाते हैं बाजार से, तो उसके ऊपर सर्टेन आईज होते हैं। ओके, अभी उसके अंदर से उसको अगर हम लोगों ने लगाया उस पोटैटो को, तो उस आईज के अंदर से नया प्लांट ग्रो होता है उसके अंदर से। ओके, इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम लीफ, ओके, ब्रायोफाइलम जिसको हम लोग पानफुटी बोलते हैं, मराठी में पानफुटी बोलते हैं। ओके, उसका जो एज रहता है, मार्जिन रहता है उसका, एज मार्जिन, इट परफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। उसके लीफ मार्जिन के वहां से बर्ड्स निकलते हैं और उसे नया प्लांट बनता है। ओके, तो आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे उसके अंदर कैसे वो होता है। इन केस को प्लांट लाइक शुगर केन, शुगर केन देखो, शुगर केन के ऊपर बीच में ऐसे लेयर्स रहते हैं। ओके, एंड द ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन द नोड्स। ओके, शुगर केन को हम लोग ऐसा काटेंगे तो उसके बीच में ऐसे जॉइंट्स रहते हैं, जॉइंट्स, उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उसको? नोड्स। तो उसके वहां पे ऐसे आईज रहते हैं, क्या रहते हैं? आईज। ओके, तो उससे शुगर केन निकलता है अगर उसको हम लोग सॉइल में लगाएंगे। प्लांट्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश परफॉर्म्स अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ओके, ये देखो, स्वीट पोटैटो विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ये रूट्स से ही उसका क्या होता है, ये जो है इसको रूट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट्स। स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये सब रूट्स है। ओके, तो वो रूट्स से अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, पोटैटो, पोटैटो के आइस के ऊपर से उसका प्रोपगेशन होता है। ये देखो, ब्रायोफाइलम लीफ, इसका मार्जिन देखो, ये मार्जिन के यहाँ पे इसको ऐसे बर्ड्स आते हैं और उससे नया पेड़ निकलता है, या फिर नया प्लांट, पेड़ नहीं बोल सकते हम लोग, प्लांट निकलता है। ओके, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दो मार्क्स के लिए आता है, या फिर राइट नेम्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसा क्वेश्चन आता है वन मार्क्स के लिए। ओके, तो ये इसे ज्यादातर पूछते हैं। नेक्स्ट, आगे मल्टीसेलुलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलुलर में लास्ट स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, किसमें होता है? देख, अभी उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटी दिया है, क्या देने का? ब्रेड का एक पीस देने का, या फिर बाकरी का एक पीस देने का, केप्ट इन अ ह्यूमिड प्लेस, यानी जहां पे क्या है, थोड़ा मॉइस्चर है, ऐसे जगह पे उसको रखने का। उसके ऊपर क्या ग्रो होगा? फंगस ग्रो होगा। क्या ग्रो होगा? फंगस। ऑब्जर्व द फंगस अंडर द माइक्रोस्कोप, फंगस का एक थ्रेड, फंगस का एक थ्रेड लेने का, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करने का, एंड ड्रॉ द डायग्राम। एक एक्टिविटी उन्होंने दिया है जो आपके स्कूल में आपसे करके ले सकते हैं। अ फंगस लाइक म्यूकर, ओके, फंगस लाइक म्यूकर, ओके, हैव अ फिलामेंट्स बॉडी, इनका बॉडी फिलामेंट जैसा होता है, यानी क्या, थ्रेड लाइक बॉडी रहता है, इनका बॉडी कैसा रहता है, थ्रेड लाइक। ओके, फंगस का एक टाइप है म्यूकर। Okay? They have a sporangia. अभी उसके अंदर sporangia होता है। क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। When the spores are formed, इस sporangia में spores बनते हैं। Sporangia में क्या बनते हैं? Spores बनते हैं। When the spores are formed in the sporangia burst. Sporangia क्या होता है? Burst होता है। And the spores क्या होते हैं? गिरते हैं। कहाँ पे गिरते हैं? Wet surface के ऊपर गिरते हैं। और फिर से उससे क्या निकलता है? Fungus develop होता है। तो डायग्राम में हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। The spores germinates in the moist and warm place and new fungal colony is formed। तो ये normally हम लोग के पास piece of bread है, उसके ऊपर ये देखो, ये ऐसा greenish color का ये देखो दिख रहा है, ये वो fungus क्या है? Fungus। ओके, अभी इस fungus का एक thread अगर हम लोग लेंगे, उसको अगर microscope के नीचे observe करेंगे, तो हम लोग को इस तरह का डायग्राम दिखेगा। ओके, अभी इधर यहाँ पे देखो, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर्स, ये देखो। ओके, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स उसके अंदर बनते हैं। जैसे ही ये स्पोर्स ठीक से बनते हैं, पूरे डेवलप होते हैं, ये स्पोरेंजिया बस्ट होता है, ये देखो, ये बस्ट होता है और ये स्पोर्स नीचे गिरते हैं वेट सर्फेस के ऊपर, और फिर से क्या ग्रो होता है? फंगस ग्रो होता है। क्या बोलता है? फंगस। तो इस तरह से इसके अंदर, ओके, म्यूकर के अंदर
क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन से इनका रिप्रोडक्शन होता है। अभी यहां तक हम लोगों ने जो देखा वो देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में देखा। ओके, अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का खत्म हो गया, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले उसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल इन्वॉल्व नहीं थे, एक ही पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, यहां पे टू जर्म सेल इन्वॉल्व होते हैं, यानी यहां पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर, फीमेल एंड मेल, ऐसे दो इन्वॉल्व होते हैं। The female gametes and the male gametes are those germ cells. ये germ cells से भी क्या? Male gametes and female gametes. The two main process occurs in the sexual reproduction. Sexual reproduction होता है तो उसके अंदर दो main process होते हैं। कौन से दो main process? First, gamete formation. पहला क्या बनता है? Gametes बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? Gametes. Okay? तो अभी क्या है? Gametes. What is the gamete formation? Gametes are formed by the meiosis. ये हम लोगों ने सीखा है। कौन से लेसन में? सेकंड लेसन में मियोसिस। ओके, जहां पे क्या हुआ था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बन गए थे? आधे हो गए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए थे, नंबर उसका आधा हो गया था मियोसिस में। इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर्स इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, यानी 46 क्रोमोसोम है तो क्या हो जाते हैं, 23 23 में डिवाइड होते हैं, 23 23 में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट्स बनना। क्या बनना? उसको गैमेट्स बनना बोलते हैं। गैमेट्स बनना यानी क्रोमोसोम नंबर्स बिकम्स हाफ। ओके, हेंस द हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। ओके, यानी क्रोमोसोम कितने हैं? 46। कितने हैं? 46। अभी वो क्या हो गए? आधे आधे, यानी क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। क्या हो गए? हैप्लॉइड। ओके, ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसका आगे का स्टेप क्या है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन यानी क्या? अभी हैप्लॉइड गैमेट बन गए, किसके? मदर के, फादर के, दोनों के हैप्लॉइड गैमेट बन गए। अभी ये डिप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। एक फीमेल से हैप्लॉइड गैमेट आता है, एक मेल से हैप्लॉइड गैमेट आता है, और फिर से डिप्लॉइड गैमेट बनता है। फिर से क्या बनता है? डिप्लॉइड गैमेट। आगे जाके हम लोग सीखेंगे कैसा होता है। ओके, यानी फर्टिलाइजेशन, पहला गैमेट फॉर्मेशन में क्या बन गया था? हैप्लॉइड गैमेट बन गया, मदर के भी एंड फादर के भी। अभी मदर से एक हैप्लॉइड गैमेट, फादर का एक हैप्लॉइड गैमेट, एक साथ आता है और डिप्लॉइड जायगोट बनाता है। डिप्लॉइड क्या बनाता है? जायगोट। द जायगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अभी ये जायगोट ओके क्या होता है? डिवाइड होता है माइटोसिस, यानी उसके अंदर के सेल डिवाइड होने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। एम्ब्रियो अर्ली स्टेज का बेबी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो इज फॉर्म। एंड एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। बाद में ये एम्ब्रियो क्या होता है? बढ़ने लगता है, उसके अंदर के सेल बढ़ने लगते हैं, टिश्यूज बढ़ने लगते हैं, ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं, और वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, टू पेरेंट्स दैट इज अ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। Asexual reproduction में only one parent involves. Okay? The fusion of male gamete and of a male parent and female gamete of a female parent occurs. तो यहाँ पे दो parent involved रहते हैं, तो male and female gametes का fusion होता है। Male and female gametes का क्या होता है? Fusion होता है। Okay? Due to this, new individual always has the recombined genes. तो जो नया बेबी फॉर्म होगा उसमें रिकम्बाइंड जीन्स होंगे, यानी मदर के भी जीन्स होंगे एंड फादर के भी जीन्स होंगे। ओके, हेंस द न्यू इंडिविजुअल शोज द सिमिलरिटी विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स एंड सम कैरेक्टर्स डिफरेंट देन द बोथ द पेरेंट्स। तो जो नया बेबी फॉर्म होगा उसके अंदर कुछ पेरेंट्स के तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। Diversity in living organism occurs due to the genetic variation. अब ये living organism में जो asexual reproduction करते हैं, उनके अंदर certain diversity आता है, okay? Because of genetic variation
and genetic variation helps the organism to adjust with the changing environment. और ये genetic variation जो आता है, genes के अंदर ये variation आता है because of sexual reproduction, वो organism environment में खुद को ठीक से adjust कर सकता है and thereby to maintain their existence, वो जिंदा रह सकता है, उनका existence maintain कर सकता है. Due to this, plants and animals can save themselves from being extinct. Plant and animal खुद को खत्म होने से बचा सकते हैं क्योंकि उनका reproduction कैसे होता है, by sexual reproduction. सभी plants में ओके okay? तो यहाँ पे हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. ठीक है.